तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैकत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासोना वर्ड से अभी में मैं करता हूं बहुत बहुत स्वागत। आप लोग पिजन का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो लोग थोड़ा बहुत भी पिजन का शौक रखते हैं वो लोग घर में पिजन तो लाते हैं बहुत किस्म का, लेकिन क्या होता है कोई पिजन में अगर एक तरह का बीमारी होता है तो वो बीमारी बहुत जल्दी पिजन में बाकी सारा जो पिजन होता है उसमें बहुत जल्दी से फैल जाता है। और मेन बीमारी है वो है रानीखेत, ठीक है। बीमारी का जो वैक्सीन है उसका नाम है लासोटा वैक्सीन, और ये लासोटा वैक्सीन मैं अपने पिजन के ऊपर प्रोवाइड करूँगा। कैसे प्रोवाइड करते हैं ये भी मैं सभी को दिखाऊँगा। अभी अगर आपके पिजन को रानीखेत हुआ है तो आप कैसे इसको पता करेंगे कि इसको रानीखेत ही हुआ है? जिस पिजन को रानीखेत होगा वो डिजीज़ होगा, वो उसके पिजन का जो गर्दन होता है, मैं आप सभी को दिखाऊँगा थोड़ा। ऐसे तो मेरा किसी पिजन में अभी तक हुआ नहीं है रानीखेत, ठीक है। तो ये जो गर्दन होता है ये लोग क्या करेगा, जब रानीखेत हो जाएगा तो ये ऐसे 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 पूरा घूमते रहेगा चारों तरफ 360 एंगल में घूमते रहेगा, और ये बिल्कुल भी खाना पीना दाना पानी सब चीज़ छोड़ देगा, कुछ भी नहीं लेगा। और ये धीरे धीरे और एक चीज़ सिम्टम होता है वो है ये इसका जो पॉटी होता है, पॉटी के साथ बिल्कुल वाइट एक डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे चूना होता है उसके तरह एकदम वाइट पॉटी होगा उसका, ठीक है। तो अभी आप समझ जाएंगे कि आप लोगों का पिजन को रानीखेत हुआ है। तब देख पा रहे कि धूप है, ठीक है, सूरज उगा हुआ है, टेम्परेचर अभी थोड़ा सा अप है, इसीलिए अभी तो हम लोग वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर रेनी हो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, धूप में या गर्मी में इन लोगों को वैक्सीन नहीं करना चाहिए। पिजन को जो वैक्सीन होता है उन लोगों को वैक्सीन नहीं करना चाहिए, तो इनका वैक्सीन रात को ही करना चाहिए। रात को टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है, इसीलिए रात को करें तो बहुत अच्छा। और बाकी जो रात का गैप मिलता है, जो सारा रात का जो गैप मिलता है सुबह तक का, वो गैप ठंडा ही रहता है, इसीलिए वो गैप अच्छा है इन लोगों के लिए। देखिए रात हो चुका है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं इन लोगों को कैसे वैक्सीन करता हूँ। जो वैक्सीन है ये आइस बैग है, क्योंकि वैक्सीन को कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही रखना चाहिए। ये उसका वाटर है, वैक्सीन का वाटर, जिसमें वैक्सीन मिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लिखा है रानीखेत डिजीज़, और उसके नीचे लिखा हुआ लासोटा स्ट्रेन। डिस्पोजल सिरिंज से इसको निकालूंगा, जो है पूरा निकाल लिया वैक्सीन। अब इसको फिर से इसके अंदर पंच कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये रेडी हो चुका है। इसको हम लोगों को क्या करना है, एक एक ड्रॉप लेके, ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप लेके हर पिजन को पकड़ के उसका आँख में एक ड्रॉप देना है। खोल रहा आँख को ऊपर एक ड्रॉप, ये पूरा तरह डिजॉल्व जब होगा तब इन लोगों को छोड़िए। तो ये हो चुका है। याद रहे आप लोगों को एक ही ड्रॉप डालना है, क्योंकि ये 500 डोज का है, मतलब इससे 500 कबूतर हो सकते हैं, 500 पिजन या फिर 500 चिकन पोल्ट्री जो होता है, ये 500 पिजन को वैक्सीन किया जा सकता है। तो इसमें से हम लोग एक ही ड्रॉप लेंगे। तो मैं तो थोड़ा बहुत फैंसी पिजन रखता हूँ, इसीलिए इन लोगों का वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप कोई सा भी पिजन रखें तो आप उसको वैक्सीन ज़रूर करें। प्रॉपरली मैंने अपने सारे पिजन को जो है वैक्सीन कम्प्लीट कर दिया, ठीक है। वीडियो से आप सभी को अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल बासोना बर्ड्स अभिहारी को। और सब्सक्राइब करने के बाद में देखिएगा बगल में एक बेल आइकन भी आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।